कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, कांग्रेस भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करती, हम सनातनी हैं, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध चारों पीठ के शंकराचार्यों ने किया है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता ये भ्रम फैला रहा है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टी श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विरोध कर रही है। वर्मा ने कहा कि भारत का एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया हो। सिर्फ चार पीठों के शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के रक्षक भी हैं और प्रहरी भी हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जब तक राम मंदिर संपूर्ण निर्माण नहीं हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको बहुत जल्दी है तो रामनवमी का दिन सर्वश्रेष्ठ था प्राण प्रतिष्ठा के लिए। यदि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हम इस इवेंट में कैसे जाएं? देखिए, ये एक नकारात्मक माहौल नरेंद्र मोदी जी से लेके भारत के छोटे से छोटे बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा नकारात्मकता फैलाई जा रही है कांग्रेस और विपक्ष में बैठी पार्टियों के लिए। एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया हो, भगवान श्री राम के संदर्भ में विरोध किया हो। सिर्फ शंकराचार्य, जो हमारे देश के चार महान शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के रक्षक भी हैं और प्रहरी भी हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि जब तक संपूर्ण निर्माण नहीं हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। यदि आपको बहुत जल्दी है मोदी जी, तो रामनवमी का दिन सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाती। हम लोगों ने कहा, निमंत्रण मिले ना मिले, यदि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं तो हम इस इवेंट में कैसे जाएंगे? कई मील दूर खड़े होकर कैसे देखेंगे? इससे तो हम घर पे बैठ के अपने टीवी के ऊपर उस कार्यक्रम को देखेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। भीड़ का हिस्सा हम थोड़ी बनेंगे, या दूर से दर्शन ही नहीं हो रहे। तो जिन लोगों के मन में है, हम जैसे लोगों के अपने घर में टीवी है, उस पर भगवान के श्री राम जी के दर्शन करके हम लोग अपने पुण्य को कमाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।